पोलियो को जड़ से खत्म करने एक बार फिर चला अभियान। कलेक्टर कमिश्नर पहुंचे पल्स पोलियो का शुभारंभ करने। कलेक्टर ने जिला अस्पताल तो कमिश्नर ने संजय गांधी में अभियान की शुरुआत। पोलियो को जड़ से खत्म करने के उद्देश्य के साथ एक बार फिर चला पल्स पोलियो अभियान। जिला अस्पताल में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत करने कलेक्टर रीवा ओम प्रकाश श्रीवास्तव पहुंचे तो संजय गांधी में अभियान का आगाज करने कमिश्नर रीवा में 5 साल से कम उम्र के बच्चों को दवा पिलाने के उद्देश्य से 206 बूथ बनाए गए थे, जिसमें 5,400 कर्मचारियों की ड्यूटी दवा दिलाने के लिए लगाई गई थी। इस दौरान कमिश्नर रीवा अशोक भार्गव ने संजय गांधी अस्पताल का आकस्मिक निरीक्षण भी किया। देखिए, पल्स पोलियो अभियान बहुत दिनों से चल रहा है और इसकी बड़ी सफलता है कि पोलियो करीब करीब इरेडिकेट हो गया है, पर चूँकि हमारे पड़ोसी देशों में कहीं कहीं पोलियो के केस हुए हैं, इसलिए शासन ने ये निर्णय लिया कि एक बार फिर से इसका पूरा एक साइकिल किया जाए। हम लोगों ने अपने ज़िले में 2660 पोलिंग सेंटर्स बनाए, पूल एज बूथ बनाए हैं जहाँ पर दवा पिलाई जा रही है, जिसमें अस्पताल हैं, स्कूल्स हैं और भी जो सार्वजनिक स्थान हैं वो हैं। करीब 5400 कर्मचारी इसमें लगे हैं और 3,82,000 बच्चों का टारगेट है। इसको हम लोग 3 दिन में, आज कल और परसों में पूरा करेंगे। सर, स्लम बस्तियों में कैसे पहुंचेंगे अपन? नहीं, जो बूथ बने हैं वो स्लम बस्तियों में भी बने हैं और वो तो हमारे और ज़्यादा ध्यान रखा गया है ऐसी जगहों पर, वहाँ पहुँचने का ये भी ध्यान रखा गया है कि माँ बाप कब मजदूरी करने जाते हैं, कब वापस लौटते हैं, कब बच्चे मिलते हैं, तो ये कंटिन्यूस प्रोग्राम है 3 दिन का। वैक्सीन भी बहुत कहीं कोई नहीं पहुंच रही है, ये भी जानकारी मिल रही है? नहीं, ऐसी कोई जानकारी नहीं है और ये तो एक चैन बनी हुई है, अगर कहीं कमी की जानकारी आएगी तो पहुंचेगी वहाँ। Yeah.